अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो हम लोग तैयार हो गए और आज संडे का दिन है, तो मैंने बोला चलो काम भी जल्दी हो गया था। और ना हम अपनी दादी के घर भी नहीं गए थे ईद पे मिलने उनसे, तो फिर मैंने बोला चलो उनसे भी मिल के आ जाते हैं। और असलम भी आ गए थे आज जल्दी काम पे से, शॉप पे से, तो फिर मैंने बोला चलो चलते हैं। तो अभी हम लोग तैयार हो गए, बच्चे भी तैयार हो गए और अभी हम लोग जा रहे हैं। बस असलम आ जाएं, थोड़े से बाहर से गए, बाहर गए हैं किसी काम के लिए, तो वो आ जाएं फिर अपन चलते हैं। और मैं बच्चों को दिखाती हूँ बच्चे क्या कर रहे हैं। तो बच्चे जो है ना तैयार हो गए, और मैंने इनको पहली और आज मैंने इनको पहली ईद के ना कपड़े पहना दिए। मैंने बोला चलो अभी यही पहन के चल लो। और मैंने भी नया बुरका कैरी करना था मगर मैं पहन ही नहीं सकी क्योंकि इसका स्ट्रॉलर नहीं मिला मुझे, मैंने बहुत ढूंढा था। तो अभी मैं देखूंगी असलम के साथ जाके स्ट्रॉलर लाऊंगी, फिर नया बुरका पहनूंगी लाजमी, क्योंकि मैं इसलिए लाई थी। हाँ फिर आपको दिखाएंगे भी। और कपड़े भी धोए हमने, धुलवाए हेल्पर से, तो वो आधे सूख रहे हैं, आधे बाहर सूख रहे हैं, आधे उनके घर में सूख रहे हैं। यहाँ रस्सियाँ ही नहीं है बांधने की, जगह वगैरह नहीं है। तो बस अभी हम जाने की तैयारी कर रहे हैं, मशीन वगैरह हमारी बाहर ही रखी हुई है, अभी हमने इसको अंदर नहीं रखा क्योंकि लाइट जाने वाली है ना। तो मैंने बोला जल्दी जल्दी वीडियो बना लूँ और अपना छोटा मोटा काम कर लूँ। तो चले गाइस वहाँ जाके आपसे मिलते हैं। नहीं बस सही है, तो अभी यहाँ बन रहा है खाना और मेरी पप्पू बना रही है खाना। कजने वगैरह आई हुई है, ईद के बाद हम अभी आए थे और बच्चे खेल रहे हैं। तो चले तो अभी हम खा रहे हैं दही बड़े, यहाँ पे दही बड़े इंजॉय कर रहे हैं। जिसने खाना है वो आए हमारे साथ खाए, और बच्चे जो है ना खेल ले। और यमुना तो पानी इतना पी रही है जैसे पता नहीं क्या हो गया भाई। चाचा को मम देगी वो गिलास दे दो बोली।